न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर विदर्भ में भारी बारिश के साथ मॉनसून की दस्तक। नागपुर और विदर्भ में सोमवार की शाम हुई तेज बारिश ने मॉनसून की दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में 16 जून से आधिकारिक तौर पर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। नागपुर में सोमवार शाम करीब 7 बजे तेज बारिश के साथ गरज चमक झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। सोमवार शाम 3.5 घंटे के भीतर शहर में 60.4 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलजलाव भी हो गया। भारत मौसम विभाग विज्ञान IMD ने सोमवार को विदर्भ के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी। नागपुर में सोमवार को पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान भी गिरकर 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। नतीजतन नागपुर वासियों को अत्यंत गर्मी से काफी राहत मिल चुकी है। जलजमाव के अलावा कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी ठप रही। जलजमाव के कारण कुछ स्थानों पर देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। गोवारी शहीद फ्लाईओवर के गोरक्षण मंदिर के अनंत में जलजलाव देखा गया। विदर्भ के सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई। अर्जुन मोर गांव में 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बाद गोंदिया में सबसे अधिक बारिश हुई। मानसून ने बढ़ते पारा के स्तर को नीचे ला दिया। शुक्रवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। 30 डिग्री सेल्सियस पर गोंदिया सबसे ठंडा रहा। वर्धा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वानुमान से पता चलता है कि आने वाले सप्ताह में नागपुर और अन्य जिलों में व्यापक से काफी व्यापक वर्षा होगी। मौसम विज्ञान की दृष्टि से व्यापक रूप से लगभग 76 से 100% स्टेशनों पर बारिश दर्ज की जाती है, जबकि काफी व्यापक रूप से 51 से 75% स्टेशनों पर वर्षा की सूचना दी जाती है। नागपुर में सोमवार शाम करीब 7 बजे तेज बारिश के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। सोमवार शाम 3.5 घंटे के भीतर शहर में 60.4 मिमी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव भी हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को विदर्भ के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी। नागपुर में सोमवार को पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान भी गिरकर 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नतीजतन नागपुर वासियों को अंत तक गर्मी से काफी राहत मिली। जलजमाव के अलावा कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी ठप रही। जलजमाव के कारण कुछ स्थानों पर देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। गोवारी शहीद फ्लाईओवर के गोरक्षण मंदिर के अंत में जलजमाव देखा गया। विदर्भ के सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई। अर्जुनी मोर गांव में 32.6 मिमी बारिश दर्ज होने के बाद गोंदिया में सबसे अधिक बारिश हुई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।